किसी हसीन यार की तलाश है, यही तो दिन है प्यार के बहार के। सुन मेरी सजना, सुन रे मेरी हाथ में क्या है कंगना, तो फिर चल मेरी अंगना। नई सुराही ताजा पानी तो मेरे जाने, दो घूट पिला देखो देखो तुम हो गया मैं गुम, कितनी हसीन रात है। तो दोस्तों बताइए, अभी आपने जो गानों की झलकियाँ सुनी वो आपको कैसी लगी? दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होंगी, क्योंकि दोस्तों इस ऑडियो कैसेट में कुछ गाने बहुत ही अच्छे हैं। और फिल्म का नाम है दोस्तों निश्चय, और इसमें मुख्य भूमिका में थे सलमान खान साहब एवं करिश्मा कपूर। और ये दोस्तों रियर ऑडियो कैसेट है, बीनस कंपनी पर आई थी। इसके कुछ गाने दिल को छू लेने वाले हैं। तो आज की वीडियो में भी हम आपको ले जाएंगे 90s के वही पावरफुल दशक में, और करेंगे इसी ऑडियो कैसेट का रिव्यू एवं इससे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें भी आपको बताएंगे। और यदि आप भी ऑडियो कैसेट के दीवाने हैं और कहीं ना कहीं आपने इन्हीं ऑडियो कैसेट से अपना मनोरंजन किया है, तो वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, और कौन कौन सी यादें आपकी इन ऑडियो कैसेट से जुड़ी हुई हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। वैसे तो आप कमेंट करते रहते हैं, लेकिन मुझे कमेंट पढ़कर आपकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और करते हैं बीनस कंपनी के बैनर तले आई निश्चय फिल्म का ऑडियो कैसेट रिव्यू। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास निश्चय फिल्म की सिर्फ एक ऑडियो कैसेट है, और वो भी दोस्तों मास्टर ऑडियो कैसेट है, बीनस कंपनी पर आई थी, बहुत ही पुरानी ऑडियो कैसेट है। अभी आपको बताऊंगा कितनी पुरानी है, मतलब मास्टर कैसेट है। यदि हम कैसेट का कवर देखें तो यहाँ पर हमको सलमान खान साहब और करिश्मा कपूर जी दिख जाते हैं, और इसमें गाने बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ पर निश्चय लिखा हुआ है, और यहाँ पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर लिखा हुआ है, और दोस्तों इसमें म्यूजिक ओपी नैयर का था। जी हाँ दोस्तों, ओपी नैयर का म्यूजिक था, उस गाने इसके बहुत अच्छे थे। यदि आपको इसका म्यूजिकल ट्रेलर देखना है तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। अब हम इधर की बात करेंगे तो इधर बीनस लिखा हुआ है और निश्चय भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इधर इसके गाने लिखे हुए हैं, साइड में चार गाने हैं, साइड में भी चार गाने हैं, कुछ म्यूजिकल ट्रेलर भी हैं। और यदि हम इसकी पैकिंग की बात करें तो अक्टूबर 1991 की इसकी पैकिंग है, मतलब दोस्तों ये फाइनली मास्टर ऑडियो कैसेट है, मास्टर ऑडियो कैसेट। चलिए कैसेट दिखा देते हैं, मास्टर ऑडियो कैसेट कैसी होती है। तो ये देख लीजिए, ब्लैक कलर की निश्चय की ऑडियो कैसेट, इसमें गाने लिखे हुए हैं, साइड ए है या बीनस का लोगो लगा हुआ है। आपको याद होगा पहले दोस्तों काले कलर की ही मास्टर कैसेट आती थी, जो शुरुआत में फर्स्ट लोड की कैसेट हुआ करती थी, इसमें इस प्रकार लिखा होता था और गाने भी लिखे होते थे। ये साइड ए है, ये साइड भी है, यहाँ पर भी गाने लिखे हुए हैं, और यहाँ पर भी निश्चय लिखा हुआ है, और बीनस का लोगो बना हुआ है। इसकी रील अभी भी चलती है, और लगभग बहुत सारी कैसेट मैंने इस ऑडियो कैसेट से उस ज़माने में भरी थी। चलिए अब आपको दिखाते हैं हम कवर। यदि हम कवर देखें तो फाइनली देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कवर है, और अभी आपको साफ दिख रहा होगा, पहले साफ नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सारी जानकारी लिखी हुई है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लिरिक और म्यूजिक ओपी नैयर। चलिए अब हम पढ़ते हैं गाने। तो गाने इसमें बहुत ही प्यारे हैं, जैसे कि साइड ए का पहला गाना है किसी हसीन यार की तलाश है, जिसमें आवाज़ें हैं अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की। और साइड ए का दूसरा गाना है सुन मेरे सजना सुन रही, ये बहुत अच्छा गाना है दोस्तों, अमित कुमार कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। और साइड ए का तीसरा गाना है वो है दोस्तों नई सुराई ताज़ा पानी, ये गाना भी सुनने लायक है, अमित कुमार कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। और साइड ए का चौथा है एक म्यूजिकल ट्रेलर जो है दोस्तों मासूक फिल्म का। चलिए अब हम बात करते हैं साइड बी की, और साइड बी में जो पहला गाना है वो है दोस्तों देखो देखो तुम, और बहुत ही प्यारा गाना है ये, अमित कुमार कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। साइड बी का दूसरा गाना है वो है दोस्तों छुट्टी कर दी मेरी, जिसमें आवाज़ है कविता कृष्णमूर्ति की। और साइड बी का तीसरा गाना है वो है दोस्तों चल मेरे घोड़े चल रे, ये बहुत ही अच्छा गाना है, मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ में। और साइड बी का लास्ट है म्यूजिकल ट्रेलर है, वो खिलाड़ी फिल्म का है,
ये दोनों ट्रेलर मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, चाहो तो आप इनको देख भी सकते हैं। तो फाइनली इस ऑडियो कैसेट में साइड ए में 4 और साइड बी में 4 गाने हैं, लेकिन टोटल गाने इसमें 6 हैं, बाकी म्यूजिकल ट्रेलर है। और पैकिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है अक्टूबर 1991। तो चलिए अब हम इस ऑडियो कैसेट के कुछ गानों की झलकियाँ सुन लेते हैं एवं इसकी संपूर्ण जानकारी भी आपको दिखा देते हैं। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। किसी हसीन यार की तलाश है, यही तो दिन है प्यार के बहार के। सुन मेरी सजना सदरे, मेरी हाथ में क्या है अंगना, तो फिर चल मेरे अंगना। नई सुराही ताजा पानी तो मेरे जानी, दाव दूट पिलम देखो देखो तुम, हो गया मैं गुम। दोस्तों निश्चय 1992 में आई रोमांटिक एक्शन और ड्रामा से भरपूर एक बहुत ही प्यारी हिंदी भाषा की फिल्म थी, जिसमें हमको मुख्य भूमिका में नजर आए थे विनोद खन्ना, सलमान खान, करिश्मा कपूर, मौसमी चटर्जी, राजीव वर्मा, सईद जाफरी, रीमा लागू, सोनू वालिया, रूपा गांगोली, सुधा चंद्रन, गोगा कपूर, अवतार गिल एंड महेश आनंद। और दोस्तों इसके डायरेक्टर इस्माइल सराफ थे, इसके प्रोड्यूसर बप्पी सोनी थे, डायलॉग्स राही मासूम रजा के थे, म्यूजिक ओपी नैयर का था, इसके लिरिक थे ना दोस्तों कमर जलालाबादी एंड नूर देवासी के थे, और इसकी रिलीजिंग डेट थी 17 जुलाई 1992। और बॉक्स ऑफिस पर फाइनली ये फिल्म रही थी फ्लॉप, लेकिन संगीत अच्छा था इसलिए कुछ गाने उस जमाने में बहुत ज़्यादा सुने जाते थे। तो चलिए अब इस फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें हम आपको बता देते हैं। फैक्ट नंबर 1, ये फिल्म सलमान खान और करिश्मा कपूर के साथ की दूसरी फिल्म थी। दोनों के साथ की पहली फिल्म जागृति थी, जो उसी साल ही जुलाई में रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 2, ये फिल्म सलमान खान और विनोद खन्ना के साथ की पहली फिल्म थी। इसके बाद दोनों वॉन्टेड, दबंग और दबंग 2 फिल्म में नज़र आए थे। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म में विनोद खन्ना ने सलमान खान के बड़े भाई का रोल निभाया था, जबकि वॉन्टेड, दबंग और दबंग 2 में उन्होंने सलमान खान के पिता का रोल निभाया था। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म में राजीव वर्मा ने पहली बार नेगेटिव रोल निभाया था। फैक्ट नंबर 5, करिश्मा कपूर से पहले उनका रोल जूही चावला को ऑफर हुआ था, लेकिन डेट्स न होने के कारण उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। फैक्ट नंबर 6, ये फिल्म सलमान खान और मौसमी चटर्जी के साथ की पहली एकमात्र फिल्म थी। तो दोस्तों अभी हमने निश्चय फिल्म का ऑडियो कैसेट रिव्यू देखा एवं इसके गानों की झलकियां सुनी एवं इसके कुछ अनसुनी बातें भी आपको बताई। तो आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, और मेरी यदि मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं 1992 की किसी अगली ऑडियो कैसेट के अगले रिव्यू के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।